हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ अपने वोकैब सेशन के साथ। और आज का जो वोकैब सेशन है, इसमें मैं आप सभी को जो कवर करवाने वाला हूँ टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस। जी हाँ, आज मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें की वो सभी जो मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर किए हैं जो कि आपके अब तक एसएससी ने पूछे हैं या फिर जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हमारे रहते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का जो टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन है, इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं। आज कुछ मैंने स्टार्टिंग के इडियम्स लिए हैं, जो बाकी के इडियम्स होंगे उनको भी मैं अपने बाई सेशंस में जो है आने वाले सेशंस में कवर कर लूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूं। आज से पहले दोस्तों, वो कैब्स की तीन वीडियो आपको मैं दे चुका हूं, जिसमें कि मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके कवर किए हैं विद रूट वर्ड्स, और बहुत बेटर कह सकते हैं बेस्ट ट्रिक्स, बेस्ट मेथड और बेस्ट वे में मैंने आपको जो वो सभी वो कैप्स क्लियर किए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार मेरी वो कैप्स की वीडियो देख रहे हैं, तो पहले जो एक बार वो जो तीन वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड में कर चुका हूं, उन तीन वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड सभी वर्ड्स उसमें मैंने काउंट किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा 100 वर्ड्स का सेशन है, इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं। तो देखो भैया, आज का सबसे पहला जो ईडियम है वो है मेरा एड फ्यूल टू फायर। सबसे पहला जो आज का ईडियम है वो है मेरा एड फ्यूल टू फायर। अब एड फ्यूल टू फायर जो होता है, इसका मतलब होता है मेरे भाई, टू मेक अ मैटर वर्स। ठीक है जी, इसका मीनिंग आपका क्या होता है, टू मेक अ मैटर वर्स, इट्स मीन्स स्थिति को बद से बदतर बनाना, जले पर नमक छिड़कना, हालात खराब को और ज्यादा खराब करना, उन सभी टर्म्स को कहा जाता है एड फ्यूल टू फायर। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ हो गया होगा। फिर से ध्यान दें, एड फ्यूल टू फायर जो मेरा इडियम है, इसका मीनिंग होता है टू मेक अ मैटर वर्स। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मेरा इडियम जो आता है, यह है मेरा एन ओल्ड फ्लेम, और एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है मेरे भाई, ओल्ड लवर्स। इसका मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है ओल्ड लवर्स, इट्स मीन्स पुराने प्रेमी, या फिर आप कह सकते हैं कि वन अ पर्सन विद होम वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन पास्ट। तो पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ओल्ड फ्रेम का मतलब क्या होता है, ओल्ड लवर्स। चलिए मेरे भाई, बात कर ले रहा हूं थर्ड इडियम की। थर्ड मेरा इडियम है अचील्स हिल्स, और अचील्स हिल्स अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम एंड फ्रेज है, ध्यान से समझना है, अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम है, और इसका मीनिंग आपका होता है स्मॉल बट फेटल वीकनेस। इसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल बट फेटल वीकनेस, इट्स मीन्स कोई भी एक ऐसी कमजोरी जो दिखने में तो बड़ी ही छोटी सी लगे, लेकिन वो अपने आप में हो बहुत घातक। समझ पा रहे हैं, तो ऐसी कोई भी कमजोरी जो दिखने में छोटी हो लेकिन बहुत बड़ी समस्या हो, उसके कारण बहुत ज्यादा परेशानियां आपको आ रही हो, तो ऐसी प्रॉब्लम जो होती है उसको बोला जाता है अचिल्स हिल्स। चलिए भाई, तीन इडियम क्लियर किए हैं, आई होप तीनों इडियम्स आपको जो समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात कर ले रहा हूं अपने फोर्थ ईडियम की तरफ। फोर्थ ईडियम है मेरा एन ऑलिव ब्रांच। जो मेरा फोर्थ ईडियम है, ये क्या कहता है, ये कहता है मेरे एन ऑलिव ब्रांच। देखिए मेरे भाई, ऑलिव ब्रांच जो बड़ा आसान सा है मेरा ईडियम है, इसका मतलब होता है अ पीसफुल रिक्वेस्ट। इसका मतलब आपका क्या होता है, पीसफुल रिक्वेस्ट, इट्स मीन्स अगर आप किसी से कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन करते हैं, तो वही जो आपका निवेदन है उसको कहलाया जाता है ऑलिव ब्रांच या फिर पीसफुल रिक्वेस्ट। तो आइए पॉइंट ये भी क्लियर हुआ होगा, तो ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, पीसफुल रिक्वेस्ट। और हाँ मेरे भाई, अगर आप सभी ने अब तक नोटबुक नहीं बनाई, तो बढ़िया से एक नोटबुक बना लो और अपने नोट्स जो प्रिपेयर करते चलो, और अगर पॉसिबल हो तो भाई दो नोटबुक बनाओ, एक वोकैब्स की अलग करिए और अपनी ग्रामर की अलग कीजिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि मैं अपनी हर दो ग्रामर की वीडियोस के तुरंत बाद अपनी जो थर्ड वीडियो लाता हूँ वो मैं वोकैब्स की लाता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि आज का जो एग्जाम का जो पैटर्न है, उसमें बिना वोकैब्स के आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई, तो वोकैब्स को बड़े ध्यान से पढ़ते चलो, मेरे साथ के साथ गुनगुनाया करो, जो भी मैं आपके सामने वर्ड बोला करूं उसे मनी मन में रिपीट किया करो, और अगर पॉसिबल हो तो बोल करके रिपीट किया करो। समझ रहे भाई, प्यारे प्यारे से नोट्स बनाते चलो, जिससे कि तैयारी इतनी जबरदस्त हो जाए कि एक बार में पेपर साफ। समझ रहे हैं ना, बार बार पेपर नहीं देना, एक बार में हमें अपना पेपर पास करना। चलो भाई, नेक्स्ट इडियम पे चल रहा हूं। ये कह रहा है मेरा बेल द कैट। तो बेल द कैट का मतलब होता है मेरे भाई कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इट्स मीन्स बेल द कैट का नॉर्मली मीनिंग निकलेगा कि टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मतलब किसी भी काम को करने के लिए
जो अपने खुद के बिहाफ पर रिस्क लेना, समझ रहे हैं? तो इसका मीनिंग निकलता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मतलब किसी भी काम की शुरुआत करना अपने खुद के रिस्क के दम पर। आपको दिख रहा है कि काम बहुत टिपिकल है, लेकिन आप फिर भी उस काम की जो शुरुआत कर दे रहे हैं तो उसको बोला जाता है बेल द कैट। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात कर लेता हूं, नेक्स्ट है मेरा बिग गन, और बिग गन का मतलब होता है एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अभी इन्फ्लुएंशियल जो पर्सन है, इस पॉइंट को समझना, इसका मतलब होता है मेरे भाई एक ऐसा आदमी जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक हो। अब बहुत ऊपर तक हो इट मीन्स उसकी पहुंच बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हो, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है बिग गन। अब ध्यान देना, बिग गन का मतलब आप निकाल पा रहे होंगे बड़ी बंदूक। नहीं जी, ये मुहावरे हैं, ये वर्ड्स कुछ होंगे, मीनिंग इनका कुछ होगा, इसलिए इनको जो idioms बोला जाता है। तो बिग गन का मतलब क्या निकला, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इट मीन्स एक ऐसा आदमी जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट जो मेरा आता है वर्ड idiom आता है वो मेरे भाई बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट मेरा idiom क्या आ जाता है, बैग एंड बैगेज। अब बैग एंड बैगेज को समझिएगा, बैग एंड बैगेज का मीनिंग आपका होता है कि आपका विद ऑल बिलोंगिंग्स। इसका मीनिंग आपका क्या निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है विद ऑल बिलोंगिंग्स। ठीक है जी, विद ऑल बिलोंगिंग्स। विद ऑल बिलोंगिंग्स का मीनिंग आपका नॉर्मली वर्ड्स में क्या निकलेगा कि सभी सामान सहित। इट्स मीन्स अगर आप जो है कहीं पर जा रहे हैं या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जो अपना मूव कर रहे हैं और आप अपने सभी सामान के साथ वहां पर जा रहे हैं, तो बोला जाएगा विद ऑल बिलोंगिंग्स। ऐसे समझो मेरे भाई इजी वर्ड्स में, कि जैसे कि अक्सर आप देखते हैं कि जो किराएदार होता है जब वो अपने मकान को खाली करके जाता है तो कैसे जाता है, विद ऑल बिलोंगिंग्स जाता है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है मेरा बेकर्स डजन। नेक्स्ट मेरा idiom क्या आता है, बेकर्स डजन। अब यहां पे ध्यान देना, डजन आ रहा है डजन, और डजन कुछ नहीं मेरे भाई, वो ये दर्जन, डजन आप समझ रहे हैं, दर्जन है। तो डजन आप सभी जानते हैं, डजन कितने को बोलते हैं, 12 को बोलते हैं डजन। क्या ऑब्जेक्ट दैट इज 12 इन नंबर कैन बी टर्न्ड एज वन डजन, कि कोई भी एक ऐसी चीज जो एक 12 है उनको डजन बोल देते हैं। लेकिन भाई ये डजन किसका है, ये बात आपको समझनी है। ये डजन है आपका बेकर का, डजन किसका है मेरे भाई, बेकर का। और बेकर कौन होता है, वन हु रन्स बेकरी शॉप कैन बी टर्म्ड एज बेकर। अब मैं बोलता हूँ बेकरी शॉप, तो बेकरी शॉप वो शॉप होती है जिसमें आपको केक पेस्ट्री पेटीज वगैरह मिलती है। ठीक है भाई, तो ये जो बेकर्स होते हैं ना, ये अपने डजन में 12 काउंट नहीं करते भाई, ये अपने डजन में काउंट करते 13। तो इसका जो आपका मीनिंग निकलता है, इसका आपका मीनिंग निकलता है 13 इन नंबर। इसका आपका मीनिंग क्या निकलता है, 13 इन नंबर। पॉइंट समझ में आया होगा मेरे भाई, क्यों होता है 13 इन नंबर, इसकी कंसेप्ट को समझो। देखो, जो बेकरी शॉप होती है इस पे बिकने वाला सभी सामान बहुत नाजुक होता है, और वो बहुत इजीली टूट सकता है, बहुत इजीली खराब हो सकता है, समझ रहे हैं? और अगर उसकी जो शो है वो खराब हो जाए तो समझ के चलिए कि ऑलमोस्ट वो चीजें खराब मानी जाती है, ग्राहक उसको खरीदना पसंद नहीं करता। तो इसी वजह से जो बेकर्स होते हैं वो ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, जिससे कि अगर एक किसी वजह से खराब भी हो जाए तो जो उनका डजन है वो आपका पूरा रह सके। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट idiom पे जो बात कर लेता हूं, ये कह रहा है बी इन द ड्राइविंग सीट। अब देखो भाई, ये कह रहा है ड्राइविंग सीट पर होना, ये कह रहा है बी इन द ड्राइविंग सीट, इट मीन्स कि ड्राइविंग सीट पर होना। ड्राइविंग सीट पर होने का मतलब क्या है भाई, ऐसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते हो आपको ड्राइवर की सीट पे बैठा हुआ है, इट्स मीन्स आप खुद जो है ड्राइविंग कर रहे हैं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो इसका सीधे से मीनिंग निकलता है कि जितनी भी गाड़ी से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी रेस, उसके गियर, उसका क्लच, उसका हॉर्न, उसकी हेडलाइट या एक्सेट्रा, कोई भी बात है जो गाड़ी से रिलेटेड है वो किसकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी बनती है। तो जो बी इन द ड्राइविंग सीट है, तो इसका मीनिंग आपको क्या निकल जाता है, तो इसका मीनिंग निकलता है बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मीनिंग आपको क्या निकलता है, बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। समझ पा रहे हैं मेरे भाई, कि जितनी भी जिम्मेदारियां हैं अगर आप उन सभी जिम्मेदारियों को वहन, मतलब उन सभी जिम्मेदारियों का आप जो है लेकर के चल रहे हैं, उनको सहन कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, बी इन द ड्राइविंग सीट। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर से समझ लो, ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हो तो इट्स मीन्स गाड़ी से रिलेटेड सारी जिम्मेदारी किसकी, आपकी है। अब जब गाड़ी से रिलेटेड सारी जिम्मेदारी आपकी है, तो अगर ये idiom की बात कर ले तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, कि हर एक जिम्मेदारी को फॉलो करना या फिर हर एक जिम्मेदारी को अपने आप पर जो है मान करके चलना, लेकर के चलना। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट मेरा जो idiom आता है वो आता है ब्लू ब्लड। और ब्लू ब्लड जो है ये भी अपने आप में बढ़िया सा idiom है,
कई बार यहां से आया है और यहां से एक ब्लू ब्लड आता है, एक ब्लू बुक आती है, तो दोनों के डिफरेंस से क्लियर कर दूंगा। देखो भाई ब्लू ब्लड, देखिए भाई ब्लू ब्लड जो होता है इसका मीनिंग होता है आपका रॉयल, इसका आपका मीनिंग क्या होता है रॉयल, या फिर एक मीनिंग और होता है एरिस्टोक्रेटिक। इसका मीनिंग आपका क्या क्या निकलता है, रॉयल और आपका एरिस्टोक्रेटिक, इट्स मीन्स जो आपके शाही होते हैं। ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही, खानदानी। जैसे कि अक्सर आप देखते होंगे कि जो राजा महाराजाओं की फैमिली होती है तो उसके जो वंशज होते हैं उनको भी क्या माना जाता है, रॉयल माना जाता है। तो यही जो रॉयल है उसी को आप क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लड बोलते हैं। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए बात कर ले रहा हूं अपने 11th idiom की, और 11th idiom आपका बड़ा बढ़िया सा है। ये कहते हैं आपका ब्लाइंड डेट। अब ब्लाइंड डेट को समझना मेरे भाई, ब्लाइंड डेट का मतलब आपका होता है कि द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल। समझ रहे हैं जी, इसका मीनिंग आपका क्या निकलता है कि अ वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल, तो इसको बोला जाता है आपका ब्लाइंड डेट। मतलब कहने का क्या होता है मेरे भाई कि जब एक लड़का और एक लड़की पहली बार, सबसे पहली बार मिलते हैं, तो वो जो उनकी पहली मीटिंग होती है उसमें बोला जाता है ब्लाइंड डेट। अब इसको ब्लाइंड डेट नाम क्यों दिया जाता है, ये पॉइंट समझने वाला है मेरे भाई, ध्यान से देखना। वर्ड आ रहा है ब्लाइंड डेट। अब ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा और डेट का मतलब हो गया एक तरीके की तारीख। डेट मतलब डेटिंग वाला डेट है, जैसे कहते हैं ना कि मैं उस लड़की को डेट कर रहा हूं, मतलब डेटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वाला। अब ब्लाइंड डेट इट्स मीन्स लड़के लड़की ने आज से पहले एक दूसरे को नहीं देखा, तो एक दूसरे को देख करके मतलब कैसे है, अपने आप में जब एक दूसरे को नहीं देखा तो इट्स मीन्स वो अपने आप में ब्लाइंड हुए। क्यों हुए, क्योंकि देखा नहीं कभी पहले, वास्तव में ब्लाइंड नहीं है। बताना चाह रहा हूं एक एग्जाम्पल बताओ, तो ब्लाइंड डेट क्या होगी कि वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल, या फिर कह सकते हैं द वेरी फर्स्ट मीटिंग बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। तो पॉइंट समझ में आ गया, ब्लाइंड डेट मतलब सबसे पहली मुलाकात, जो सबसे पहली बार जो लड़का लड़की मिलने आते हैं जो आज से पहले कभी नहीं मिले थे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ब्लाइंड डेट बोलूंगा। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट कह रहे चिकन हार्टेड। नेक्स्ट मेरा idiom क्या है भाई, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड बड़ा इजी सा वर्ड है मेरे भाई। चिकन हार्टेड मतलब चिकन, आप जानते हैं चिकन वर्ड होता है मुर्गी के लिए, हार्टेड मतलब मुर्गे जैसे दिल वाला। अब मुर्गे जैसे दिल वाला इट्स मीन्स कैसा है भाई, कॉवर्ड है। समझ रहे हैं, तो इसका मीनिंग आपको क्या निकलता है, कॉवर्ड। समझ रहे हैं इसका मीनिंग आपको क्या निकला, कॉवर्ड। और कॉवर्ड आप सभी जानते हैं, कॉवर्ड का मतलब होता है मेरे भाई कायर, बुजदिल, डरपोक, तो उसको आप क्या बोलते हैं, कॉवर्ड बोलते हैं। तो आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा, चिकन हार्टेड का मतलब क्या हो गया, कॉवर्ड। या फिर एक वर्ड और आ सकता है लैकिंग करेज, इसको मैं एक वर्ड और क्या बोल सकता हूं मेरे भाई, लैकिंग करेज। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेता हूं आपकी कॉक एंड बुली स्टोरी पर। कॉक एंड बुली स्टोरी भी बहुत प्यारी सी कहानी है, होती है ये अपने आप में। बहुत एसएससी ने क्वेश्चन लिया था इससे, कभी के टाइम था कि बहुत चला था ये गेम। भाई देखो कॉक एंड बुली स्टोरी का मतलब आपका होता है फॉल्स स्टोरी। समझ रहे हैं, कॉक एंड बुली स्टोरी का मतलब क्या होता है, फॉल्स स्टोरी। और फॉल्स स्टोरी का मतलब होता है कोई भी ऐसी कहानी जो कि झूठी हो। समझ रहे हैं, इसी को बोलते हैं कॉनकॉक्टेड स्टोरी। इस मीन्स जो हमारी एक झूठी कहानी होती है, मनगढ़ंत कहानी होती है, उन्हीं को बोला जाता है कॉक एंड बुली स्टोरी। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि अक्सर आप क्या काम करते हैं कि जब बच्चा नहीं सोता रात के टाइम, तो उसे सुलाने के लिए कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों जंगल में जा रहे थे, शेर मिल गया, शेर से राजा ने लड़ाई करी, ये किया वो किया। अब एक बात होती, वास्तव में लड़ाई थोड़ी हुई, नहीं। तो ये जो पॉइंट मेरा होता है, इस तरीके की कोई भी कहानी जो कि सच्चाई से बहुत दूर हो, तो ऐसी सभी कहानियों को आप क्या नाम देते हैं, कॉक एंड बुली स्टोरी। भाई देखो आप इसे ऐसे याद रख लो, और आसान। कॉक मतलब क्रोकोडाइल की बात कर दिया, बुल मतलब आपके बैल की बात कर ली। एक बात बताओ, क्या क्रोकोडाइल का और बैल का कोई लेना देना है, नहीं है, तो आप तो खुद ही झूठ बोल रहे हैं। तो कॉक एंड बुली स्टोरी का मतलब क्या होगा, फॉल्स स्टोरी, कॉन्वर्टेड स्टोरी, या फिर अ स्टोरी विच इज फार फ्रॉम रियलिटी, फार अवे फ्रॉम रियलिटी। तो चलिए भाई बात कर ले रहा हूं नेक्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में मेरा बाय लीप्स एंड बाउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। और इसका मतलब होता है भाई रैपिडली। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है आपका, रैपिडली। और रैपिडली का मतलब आप सभी जानते हैं बहुत तेजी से,
रैपिडली का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से। और वास्तव में जो इसका मीनिंग होता है, वास्तव में मीनिंग समझना मेरे भाई, इसका वास्तविक मीनिंग होता है दिन दूना रात चौगुना, दिन दुगना रात चौगुना। ठीक है जी, थोड़ा सा हो सकता है हिंदी में कुछ एरर्स हो गई हो, तो हिंदी आप भाई चेक कर लेना, हिंदी थोड़ी सी ऐसे ही है। चलो तो आप पॉइंट को समझना, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दोना रात चौगुना। इट मीन्स जब कोई भी जो आपका टर्म है उसके अंदर जो चेंजेस आए, उसके अंदर जो आपका डेवलपमेंट हो, वो इतनी तेजी से हो कि हम उसे बोलें कि दिन दूना रात चौगुना, बहुत तेजी से हो रहा है, एट रैपिड पेस, तो उसको बोला जाता है मेरे भाई बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जैसे कि अक्सर आप एक चीज देखते हैं कि कई बार कुछ इंसानों की जो डेवलपमेंट होती है, तरक्की होती है, वो इतनी तेजी से होती है कि मान के चलो आज उसने जो ज्वाइनिंग किया एक नॉर्मल पोस्ट पे, अगले साल देखते हैं उसका प्रमोशन हो गया, नेक्स्ट ईयर देखा फिर से एक और प्रमोशन, नेक्स्ट ईयर देखा फिर से एक प्रमोशन। तो कुछ लोग उसे क्या बोलते हैं कि तो दिन दूनी रात चौगुनी, दिन दूनी रात चौगुनी गति से जो है वृद्धि कर रहा है, समझ रहे। तो ये जो पॉइंट होता है दिन दूनी रात चौगुना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बात कर ले रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट मेरा आता है 15th idiom, और ये है मेरे भाई डार्क हॉर्स। और डार्क हॉर्स भी अपने आप में अच्छा सा वर्ड है, और इसका मतलब आपका जो होता है, पहले हिंदी में लिखूंगा फिर इंग्लिश में लिख करके जाऊंगा। तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है भाई छुपा रुस्तम, समझ रहे हैं। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, छुपा रुस्तम। अब ये छुपा रुस्तम का मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग मेरे भाई इजी वर्ड्स में समझो कि मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि वन हु विंस कह सकते हैं आपका कि अनएक्सपेक्टेडली, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि जब भी कभी कोई भी एक इंसान जीत जाए लेकिन उस इंसान की उम्मीद ना हो, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है डार्क हॉर्स, और इस वजह से बोला जाता है छुपा रुस्तम। समझ पा रहे हैं। तो भाई इसका मीनिंग आपका क्या निकलेगा, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो जीत गया, तो उसको आप क्या बोलेंगे, डार्क हॉर्स। इजी वर्ड्स में समझो, मान के चलो मेरी क्लास है, मेरी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स जो क्लास ले रहे हैं, अब 50 स्टूडेंट्स में से मेरा एक स्टूडेंट है कालू, ठीक है जी। मेरा एक स्टूडेंट कौन है, कालू। कालू बहुत वीक है इंग्लिश के अंदर, और सभी बच्चे को मालूम है कि कालू जो है एग्जाम को केवल पास कर सकता है, कभी टॉप नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने एक एग्जाम लिया बढ़िया सा आपका, और मैंने रिजल्ट जब सभी को शो ऑफ किया, तो मैंने देखा कि सबसे जो ज्यादा मार्क्स लाता है, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आते हैं, कालू के आते हैं। तो इस कंडीशन में जो ये कालू है, कालू को मैं क्या नाम दूंगा, डार्क हॉर्स। क्यों दूंगा, क्योंकि कालू पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि कालू जीतेगा, लेकिन फिर भी कालू जीत जा रहा है, इट मींस कालू जो है फर्स्ट आ जा रहा है। तो ऐसा इंसान जिस पर आपको उम्मीद ना हो लेकिन वो बहुत बेटर परफॉर्म कर जाए, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। चलिए भाई आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट मेरा वर्ड आ रहा है क्रोकोडाइल्स टीयर। तो ये तो बड़ा आसान है, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू का मतलब होता है झूठा दिखावा, मतलब वास्तव में आप दुखी नहीं है लेकिन आप दुखी होने का दिखावा कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है क्रोकोडाइल्स टीयर। तो इसका मीनिंग आपका निकलता है फॉल्स शोइंग ऑफ ग्रीफ, फॉल्स शोइंग ऑफ ग्रीफ, मतलब जो हमारे दिखावटी आंसू होते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्रोकोडाइल्स टीयर। नेक्स्ट कह रहे हैं मेरा ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है, अगर मैं लिखना चाहूं कि स्टेट ऑफ डीप थॉट्स, ठीक है जी। ब्राउन स्टडी को मैं क्या बोल सकता हूं, अ स्टेट ऑफ डीप थॉट्स। इट्स मींस ब्राउन स्टडी को मैं इजी वर्ड्स में बोलना चाहूं कि जब एक इंसान पूर्णता विचार मग्न हो, अपने विचारों में खोया हुआ हो, चिंतन कर रहा हो, तो उस स्थिति को बोला जाता है ब्राउन स्टडी। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ हो गया, क्लियर हो गया होगा। तो ब्राउन स्टडी का मतलब क्या हो गया, स्टेट ऑफ डीप थॉट्स, ठीक है जी। चलिए बात आगे कर लेता हूं। थोड़ा स्पेलिंग गलत है भाई, इसकी स्पेलिंग को ध्यान देना, THOUGHS, थॉट्स, ठीक है जी। तो स्टेट ऑफ डीप थॉट्स, पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ब्राउन स्टडी का मतलब होगा विचार मग्न होना, इट्स मीन्स अपने ख्यालों में खोया होना।
नेक्स्ट अ गुड हैंड का मतलब जो होता है मेरे भाई, गुड हैंड का मतलब होता है आपका एक्सपर्ट। गुड हैंड का मतलब आपका क्या होता है? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट बोल दो, या फिर इसको हिंदी में कहना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं बिल्कुल कुशल। एक्सपर्ट बोल दो या फिर मैं क्या बोल सकता हूं इसको, कुशल। मतलब अगर एक इंसान अपने काम में बिल्कुल निपुण हो जाए, उसको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और वो अपने वर्क में निपुण हो जाए, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया था अ गुड हैंड। आई होप पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अ हरकुलन टास्क। हरकुलन टास्क भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम है और इसका मतलब होता है अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसका मीनिंग आपको क्या होता है? अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है जी। एक ऐसा कार्य जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, बहुत ज्यादा कठिन हो, तो उसको बोला जाता है हरकुलन टास्क। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो हरकुलन टास्क का मतलब डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य, तो उसे बोलेंगे हरकुलन टास्क। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट कह रहे हैं मेरा अबोव बोर्ड, और अबोव बोर्ड भी अपने आप में ये मोस्ट इंपोर्टेंट में चलता है, एसएससी में बहुत पूछा जाता है। और अबोव बोर्ड का भाई मीनिंग होता है आपका ऑनेस्टली। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑनेस्टली इट्स मीन्स बिल्कुल ईमानदारी से जो आप काम करते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जो आप काम करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अबोव बोर्ड। आई होप आपको जो है वर्ड क्लियर हो गया होगा। और ये जो आज मैंने आपको 20 idioms and phrases कराए हैं, ये भी आप सभी को जो क्लियर हुए होंगे, प्लस याद भी अभी के अभी हो गए होंगे भाई। बढ़िया सी नोटबुक बना के इन सब के नोट्स प्रिपेयर करते चलो। स्क्रीनशॉट किसी को नहीं लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट को जो आप केवल स्क्रीनशॉट लेकर के फोन में सेव होता है, हमारी मेमोरी में सेव नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे अपने हाथ से कॉपी करोगे तो मान के चलो 80% जो कंटेंट है वो आपको यहीं पर याद हो जाएगा, समझ रहे हैं। और जब मैं आपको पढ़ाया करूं खास करके वोकैबुलरी, तो मेरे साथ के साथ आप भी बोला करो, जिससे कि आपको ये सारी टर्म्स याद हो जाए, ठीक है भाई। तो ये टॉप 100 idioms एंड फ्रेजेस का सेशन फर्स्ट था, जिसमें कि 20 idioms एंड फ्रेजेस कवर कर दिए। फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर से इसी सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, 21 से अपनी जो है idioms एंड फ्रेजेस की शुरुआत करूंगा। तो चलिए दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत। अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो बढ़िया लग रही हो तो लाइक करते चलो, और कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर देना। मैं आपकी कोशिश करूंगा कि जितनी भी कमेंट्स हैं उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं, अगर कोई बच्चा मुझसे डाउट पूछता है तो, ठीक है जी। तो चलिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।